तो दोस्तों ड्रीम इलेवन से पैसे कौन नहीं कमाना चाहता है, ड्रीम इलेवन में विनिंग कौन नहीं करना चाहता है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो लगभग सभी ने सभी यहां पे ड्रीम इलेवन में रैंक वन लाना चाहते हैं या तो दोस्तों अच्छी खासी रैंक लाना चाहते हैं और एक अच्छा प्राइस विन करना चाहते हैं। लेकिन सही जानकारी के न चलते, सही स्ट्रेटजी के न चलते विनिंग के बजाय लॉस हो जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे विनर से मिलाने वाले हैं जिन्होंने दोस्तों अभी हाल ही के मैच में टाटा आईपीएल की तरफ जो लगातार मैचेस चल रहे हैं, आप लोग जानते हैं डे बाय डे मैचेस चल रहे हैं, और जो दोस्तों यहाँ पे विनर्स होते हैं उनकी जो लिस्ट है लगातार यहाँ पे ड्रीम इलेवन में आती रहती है। तो आज हम एक ऐसे ड्रीम इलेवन के विनर के पास आए दोस्तों जिन्होंने अभी हाल ही के मैच में दोस्तों बहुत बेहतरीन प्राइस विन किया है। इनका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, कब से ड्रीम इलेवन खेल रहे हैं और कैसे टीम बनाई थी कि दोस्तों इनकी विनिंग हो गई है, उसके बारे में बताएंगे। कितना प्राइस विन हुआ है और दोस्तों जो मैच था उसमें किन किन चीज़ों के ध्यान इन्होंने दिया जो कि आप लोग मिस्टेक कर देते हो, इसलिए आपकी रैंक वन आते आते रह जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और यहाँ पे आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक करें ताकि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों के लिए मिलती है वो आपसे कभी मिस ना हो। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको मिलाने वाले हैं बिहार के शिव कुमार जी से। शिव कुमार जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं, आप ड्रीम इलेवन कब से खेल रहे हैं और वो कौन सा मैच था जिसमें आपकी विनिंग हुई है, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव कुमार है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हाल ही में अभी 30 अप्रैल को जो मैच हुआ था मुंबई और राजस्थान, 18 लाख रुपए मैंने जीत लिए हैं। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखेंगे, जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो शिव कुमार जी, मैं जानना चाहता हूँ, काफ़ी व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि आपकी कोई टीम है, आप लोग टीम में काम करते हो या आप अकेले काम करते हो, इसके बारे में बताइए। देखो भाई, मैं अकेले काम करता हूँ, कोई टीम में मना के मैं नहीं खेलता। अच्छा। सीरियसली सिंगल खेलता हूँ। आप लोगों को एक मजे की बात बताऊँ, उस दिन ड्रीम में मैंने 18 टीमें बनाई थी। 18 टीमें बनाई थी आपने जिस दिन विनिंग हुई है? यस सर। वाह भाई वाह, मतलब 18 टीमें आपने बनाई, क्या सोच के आपने 18 टीमें बनाई? बहुत बड़ी टीम होती है 18 टीम, कैसे मतलब क्या सोचा आपने कि 18 टीम बनाते हैं? मेरा सीधा एक फंडा है कि एक दो टीमों से होने वाला कुछ नहीं है जी। आपको जीतना है, प्रॉफिट बनाना है, लॉस कवर करना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक टीम से ज़्यादा ज़्यादा पांच टीम से आपको ज़्यादा मनाना पड़ेगा, तभी आपका जितना लॉस है वो प्रॉफिट में जाएगा, उससे ज़्यादा मुनाफा होगा जी, क्योंकि विनिंग चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं भाई। हाँ, तो यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ, काफ़ी वर्ष भी जानना चाहते हैं कि जो आपका एक्सपीरियंस है, आप लगभग कब से ड्रीम इलेवन खेल रहे हो और कितना समय हो गया लगभग ड्रीम इलेवन में आए हुए? ड्रीम इलेवन में आए हुए 2 साल होने जा रहा है। अच्छा, अब तक 2 साल कम्प्लीट हो गए? हाँ, अप्रैल में 2 साल अब मेरा पूरा कम्प्लीट हो चुका है, अभी तीसरी साल स्टार्ट हो गई है इस महीने से। लेकिन विनिंग हो गई है? हाँ। अच्छा, अब जीतने का तरीका मालूम चल गया है, ऐसा खेलो, ऐसा दिमाग लगाओ कि आप जीते प्रॉफिट में चले जाएं। जीतने की जो आपका आइडिया है वो ये है कि आप कभी भी टेंशन में आके जल्दबाजी में मत मनाइएगा टीम, आप संतुष्टि से, शांति रूप से, सोच के, दिमाग से, आपको उस हिसाब से आपका बजट क्या है उसके हिसाब से पैसा लगाइए और सोच समझ के कदम एक कदम फूकते फूकते आप आराम से टीम बनाइए। ये कह रहा था जल्दबाजी में आप बनाते हैं कि तो आपका लॉस में चला जाता है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने कुमार जी कि यहाँ पे जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, कहने का मतलब। हाँ, अच्छा, क्योंकि एक बार अनुभव मेरे को भी है जल्दबाजी में बनाने का, जो था मेरा 12,000 का लॉस पड़ा था। बताइए, 12,000 का लॉस एक दिन में? 12 लॉस का। हाँ, जाहिर सी बात है, आप इतनी अधिक टीमें बनाते हैं तो फिर अधिक लॉस होने की सब संभावनाएं हैं। यस, आप लोग इनसे ये चीज़ें सीख सकते हैं कि मतलब अगर जल्दबाजी में, जैसा कि यहाँ पे बताया कि जल्दबाजी में टीम आप लोग बनाएंगे तो जाहिर सी बात है सही तरीके से एनालिसिस नहीं हो पाएगी, रिसर्च नहीं हो पाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि जैसे कि ठीक है आप 18 टीम बनाए थे और आप कहते हैं कि एक से अधिक टीम बनाएं, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास एक लिमिटेड अमाउंट ही है, वो एक लिमिटेड अमाउंट ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो क्या उन्हें कितनी टीम बनाना चाहिए, उनके लिए आपका क्या सजेशन है? एक टीम, दो टीम, चार टीम, कितनी टीम बनाएं कि इनकी भी विनिंग हो? मैं चाहता हूँ हमारे जो व्यूवर्स हैं इनकी भी विनिंग हो, तो वो ट्रिक बताएँ, वो स्ट्रेटजी बताएँ। मैं ये कहना चाहूँगा जो भी जितने भी मिडिल क्लास के फैमिली वाले हैं, मेरा ये उनसे कहना है कि आपकी जितनी भी पॉकेट मनी मिलती है 600, 1,000, 2,000, उसमें से थोड़ा सा पैसा 200, 300, 400 रुपए आपको एक
दो टीमें या तीन टीमें आपको लगाना है जी। इसलिए रहेगा आपको एक टीम से फायदा नहीं होगा, स्टार्टिंग में दो टीम में लॉस होगा, एक टीम का लॉस होगा, ये तो रहेगा कि आप एक टीम का मिला तो आपका तीन चार धीरे 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 जैसा आपकी प्रॉफिट होने जाए, आपका बजट बढ़ता जाए, तो आप वैसे वैसे आप जिम इलेवन में पैसा लगाते जाइए, टीम बढ़ाते जाइए आप अपनी अचानक से। मानना है कि बजट के हिसाब से टीम बनानी चाहिए, लेकिन जानकारी होनी चाहिए टीम कैसे बनाया जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है कि जो भी विकेट कीपर होते हैं, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर होते हैं, तो जब आप टीम बनाते हैं तो आप ऑलराउंडर और विकेट कीपर को कितना महत्व देते हैं? क्योंकि बैटिंग पिच पे लोग बैट्समैन की तरफ भागते हैं, बॉलिंग पिच पे बॉलर की तरफ भागते हैं, लेकिन ऑलराउंडर और विकेट कीपर का कितना अहम रोल होता है, इसके बारे में बताइए। फिलहाल में जो आपने क्वेश्चन पूछा है, विकेट कीपर जैसे महत्व होता है उसका, वो ना रहे तो आउट कैसे होगा, तो उसका जैसे महत्व है जैसे उसका ऑलराउंडर का भी महत्व है, उसके बिना भी आपका मैच नहीं पूरा होगा। बॉलर है, बॉलर के बिना भी आपका मैच पूरा नहीं होगा। तीनों प्लेयर्स आपके महत्व रखते हैं। वो आपको कभी कभी ये होता है कि ऑलराउंडर नहीं जीत पाए तो बैट्समैन जिता दिया, कभी कभी ये होता है कि बैट्समैन नहीं जिता पाया तो ऑलराउंडर हरा जिता देता है, कभी कभी ये होता है कि विकेट कीपर जिता देता है, कभी कभी एक विकेट लेके बॉलिंग बॉलर जो है आपको जिता देता है। इसलिए आपके तीनों जो हैं महत्व खिलाड़ी हैं, ये है। यानी कि सबको साथ में लेके चले हैं, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के चले। हाँ, आपको तालमेल मना के चलना है एक तरीके से। जैसे आप देखते ही होंगे MS धोनी, विराट कोहली, तो उसी तरह से आपको इसमें भी एक तरीके से मना के चलना है। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन ये है छोटा सा, कि जो कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन होता है, लोग उस पर थोड़ा मात खा जाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन कैसे करें कि यहाँ पे उनकी विनिंग हो जाए, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। क्वेश्चन ये निकल के आता है, जैसे कि आपने कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में जो जानकारी दी, यहाँ पे सिलेक्शन परसेंटेज का जो लोग अधिक अहम रोल लगते हैं, सोचते हैं कि सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज़रूरी है, सिलेक्शन परसेंटेज के बिना टीम क्रिएशन नहीं हो पाता है, आपका सिलेक्शन परसेंटेज के लिए क्या मानना है? सिलेक्शन परसेंटेज कितना तक अहम रोल है, ध्यान देना चाहिए बिगिनर्स को क्या करना चाहिए, तो सिलेक्शन परसेंटेज में कॉपी करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जितने लोग प्लेयर ले रहे हैं उनकी तरह बिल्कुल कॉपी मत करिए। आप आपको लगता है कि ये खिलाड़ी बेस्ट है, आप उन्हीं को लीजिए। कुछ लोग होते हैं कि भैया कमज़ोर को भी ले लेंगे और मजबूत को भी ले लेंगे। अब वो उनका सही ढंग से पता नहीं है ये ट्रिक हमको कब किस पोजीशन में किस एंगल से चलाना है। मान लीजिए हेलीकॉप्टर सीधी बॉल आ रही है तो वो हेलीकॉप्टर चलाना है, मार दिया बैक में, तो वो चीज़ गलत है ना। जी बिल्कुल सही बात। तो दूसरे की चीज़ की जैसा आप कॉपी बिल्कुल मत करिए। जो बेस्ट है आप पहले उनकी वो देखिए कैसा खेलता है, अच्छा खेलता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भाई साहब ने जो जानकारी दी कि यहाँ पे कैसे आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन कर सकते हैं, विनिंग टीम कैसे बना सकते हैं, विनर्स को लेके कैसे आप लोग यहाँ पे स्ट्रेटजी जो फॉलोअप करते हैं, यहाँ आप भी वही कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जो दो से इम्पोर्टेंट मुझे आपकी बातें जो काफ़ी ज़्यादा वो लगे कि आप एक से अधिक टीम बनाते हो हमेशा, और जैसे कि आपको बताया जिस दिन आपने विनिंग हुई थी आपने 18 टीमें बनाई थी, जो कि काफ़ी काबिले तारीफ है भाई। 18 टीम आप लोग देख सकते हो कितनी बड़ी टीम्स होती है और कितना अधिक अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, यानी कि रिस्क तो लेना ही है अगर विनिंग करना है तो। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो एक बार मैं यहाँ पे सुकुमार जी आपका बार बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने अपना इतना कीमती समय हमको और हमारे व्यूअर्स को दिया। मुझे उम्मीद है कि भाई आपको आज के वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अच्छा लगा हो लाइक करें यार, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक करें और हमारे चैनल से जुड़ें, जिसका दोस्तों काफ़ी प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाएँ ज्वाइन हो जाएँ, वहाँ पर आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से विनिंग कर पाएंगे।